भोग ले या मैं भोगूं साले बीच में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक ऑन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हम बहुत सारा लेट हो गए, जुम्मे का दिन था, नमाज पे भी जाना था और फिर ज़्यादा ही लेट हो गए, तो हमने कहा चलो शॉप पे चलते हैं। शॉप अभी तक बंद है, अभी शॉप खोलेंगे। और हमें पता नहीं था, हमारा एक दोस्त हमारा वेट कर रहा था, बहुत दूर से आया है। मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने दोस्त से। मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम, माजरत यार। ये हमारे दोस्त हैं, बहुत दूर से आए हुए थे मिलने के लिए, हमें पता नहीं था क्योंकि हमारी शॉप बंद थी और इनके पास नंबर भी नहीं था। तो हम इनसे भी माजरत करते हैं, आपसे भी माजरत करते हैं और दुकान खोल के अंदर बात करते हैं। बाकी हाँ, तो भैया आज का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले हम आपको बता दें कि हम थे कहाँ। एक दोस्त आया हुआ था सुबह से, हम उसके साथ थे और उसके साथ रहे और हम व्लॉग नहीं बना पाए, थोड़ा सा मसला था। तो भैया हमने सोचा आपको एक गुड न्यूज़ दी जाए और शानी भाई से जो वादा किया था वो वादा भी पूरा किया जाए। गुड न्यूज़ क्या है वो हम शानी भाई के पास आपको जाके बताएंगे। हाँ तो भैया दुकान हो गई है ऑफ, अब चलते हैं शानी भाई के पास, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा और हमसे किस तरह बात करते हैं, हमें किस तरह ट्रीट करते हैं। और चलें फिर शानी भाई के पास, तो फिर देखते हैं। अरे हाँ, तो भैया धन्नो भी रेडी है, तो फिर चलें धन्नो शानी भाई के पास। मैं शानी भाई को दो कॉलें कर चुका हूँ, शानी भाई कॉल नहीं उठा रहे और नीचे भी नहीं आ रहे, पता नहीं घर में है कि नहीं। अगर आते हैं तो मैं आपको उनका रैक चेक कराता हूँ कि वो किस तरह से मुझसे बात करते हैं, मुलाकात होती है। तो मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि शानी भाई आए और उनसे हमारी बात वगैरह हो जाए। तू भोंक ले या मैं भोंकूँ साले बीच में, तेरी माँ बेस्ट ठीक है। व्लॉग बना रहा हूँ गाइस, व्लॉग बना रहा हूँ। तो हाँ, तो भैया अब शानी भाई कहाँ रह गए यार, शानी भाई आ नहीं रहे। शानी भाई आ जाए मैं आपको फिर दिखाता हूँ। शानी भाई मैं पत्थर मार दूँगा, कहाँ रह गए तुम यार। शानी भाई ने तो बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया, तो यहाँ पर इतने कुत्ते हैं कि अगर एक एक सब्सक्राइब ये लोग कर दें तो नहीं गलत हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं जो मुझे काट लें तो यकीन मानो मैं एक एक बूटी ले लें तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन अभी शानी भाई आ जाएँ तो उनका रिएक्ट आपको चेक करवाते हैं। तुम शानी भाई का बहुत मतलब ऐसे ख़तरनाक वाला इंतज़ार करने के, शानी भाई आ जाओ यार, आ जाओ भाई। शानी भाई आने का नाम नहीं ले रहे यार। शानी भाई क्या चाह रहे हो यार, मुझे बता दो यार। शानी भाई किसी और को ट्रीट दे दूँगा, आप नहीं आ रहे हो तो। शानी भाई, अरे शानी भाई आ गए, शानी भाई आ गए भाई, हमारे शानी भाई। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई क्या हाल है। सबसे पहले मुबारक हो शिदी को आपको। अरे खैर मुबारक शानी भाई, चल रहे थे आपकी वीडियो पे माशाल्लाह। अरे हाँ, सुबह मैंने देखा तो मैं बिल्कुल ना मतलब परेशान हो गया। अभी तो मैं बता रहा था सबको कि शानी भाई की मेहरबानी हमारे साथ। शानी भाई होटल में चल के बात कर, होटल में चल के प्रॉपर जो है ना, इतनी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब हमें शानी भाई से एक वादा किया था, मतलब नॉट कमिंग स्लो जुनेजो भाई, आई एम नॉट कमिंग स्लो। हाँ तो हुआ कुछ यूं कि भैया सुबह सुबह हमारे पास आई शानी भाई की कॉल कि भाई तेरी वीडियो पे तो ऐड आना शुरू हो गए। तो यकीन मानो मैं एक्साइटमेंट में उठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरी वीडियो पे एड्स आना शुरू हो गए, मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह सुबह उठा मैं, फ्रेश हुआ, मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं यहाँ पे आ गया। तो मैंने अपने अंदर दबा के रखा कि शानी भाई से मुलाकात होगी और आप लोगों को भी बताऊँगा फिर। तो मैं आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया या फिर मेरी वीडियो देखी या फिर मेरी हौसला अफजाई की। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आपको बहुत ही टाइड और अमेजिंग व्लॉग देखने को मिलेंगे। जो बंदे मेरे चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह एंटरटेनिंग भी होगी, व्लॉग्स होंगे साथ है फिर इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड वीडियो, सब्सक्राइब।
एवरीथिंग आई थिंक आई एम स्पीकिंग इंग्लिश वेरी गुड बट नॉट बैड ओके